बेकार है। संत महाराज वो रस्सी लेके घेरा से बता दोस्तों परिक्रमा हमने बस थोड़ी सी ही स्टार्ट की थी तो हमें क्या देखने को मिला कि आगे मतलब थोड़े ना भीड़ ज़्यादा हो रही है और जो कुछ संत महाराज है वो रस्सी लेके घेरा से बना रहे थे और लोग उसके पीछे थे। मुझे तो पता नहीं पर वहाँ क्या हो रहा था, पर राहुल ने बताया कि शायद यहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज आने वाले। मैं कह यार बड़ी अच्छी बात है, एक तो हम परिक्रमा देना है ऊपर से हमें महाराज के दर्शन होंगे। हम वहाँ रुक गए यार। जब भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आओगे तो शुरुआत में आपको वृंदावन रास महिमा श्री राधा केली कुंज ये आपको जगह पड़ेंगी जहाँ पर श्री पूज्य महाराज जी आपको दर्शन हो सकते हैं। मुझे तो यार पता भी नहीं था कि मतलब उनका जो क्या कहते हैं उसका महाराज जहाँ रहते हैं राधा केली कुंज जो उनका मतलब आश्रम है वो भी यहीं था। मुझे अभी इसी ने बताया था, इसी से पता चला। पर हमसे एक यार मतलब छोटी सी गलती हुई, पर कोई नहीं हमें दर्शन हो गए। वो गलती क्या थी, जो मतलब भीड़ थी वो रस्ते मतलब दूसरी तरफ खड़ी थी रोड के और हम खाली जगह देख के अपना दिमाग लगा के दूसरी तरफ खड़े हो गए। हमने कहा कि हमें तो यहाँ से दर्शन हो जाएंगे। हुआ क्या था, हुआ ये था कि हम जैसे हम परिक्रमा मार्ग में आए तो भीड़ उस तरफ खड़ी थी, हम थे इस तरफ यानी कि हम थे राइट की तरफ। तो भोला के हाथ से जो हाथ में जो स्टैंडिंग था उसमें से फोन निकल के नीचे गिर गया। भाई फोन गया बिल्कुल नमस्ते चौक, अब भोले चला गया उसे रिपेयर कराने के लिए। मैं वहाँ पर खड़ा रहा तो हमने किसी तरीके से यकीन नहीं कर रहे हो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन आपके फोन में रिकॉर्ड करे आप सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने प्लानिंग कुछ भी इसमें नहीं की थी कि हम प्रेमानंद जी महाराज के मिलने के लिए जाएंगे, वो हम उसके लिए अलग सेपरेट ब्लॉग करेंगे। पर इसी ब्लॉग में हमने बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो जाएंगे। पर चलो कोई नहीं, दूर से ही सही पर दर्शन तो हुआ महाराज के। सही क्या, और उनके जाने के बाद सभी लोग वहाँ मतलब जमीन पे रज को माथे से लगा रहे थे। तो देख क्या हमने भी कर लिया, हम बिल्कुल वीडियो में वहाँ पर देखे ना आप रील के अंदर फिर यूट्यूब पर, तो वही सेम दृश्य था। होता यह है कि महाराज जी एक तो सुबह के समय निकलते हैं और इस समय भी निकलते हैं, मुझे हालांकि आइडिया नहीं था पर थोड़ा बहुत पता था इसके बारे में। अब वृंदावन परिक्रमा में हम आगे चलते जा रहे हैं तो अभी आगे अभी काफ़ी सारी चीज़ें निकल आने वाली हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे, तो काफ़ी मज़ा आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं और लगे रहिए हमारे साथ नेक्स्ट। प्यास लग रही है, प्यास पानी पी लें। यही चीज़ तो यार मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है यहाँ की, चाहे वृंदावन हो या गोवर्धन, खाने पीने की तो आपको कभी भी बिल्कुल कोई कमी महसूस होने ही नहीं वाली। अब यहीं देख लो हर 200-300 मीटर की दूरी पर आपको ऐसे ही पानी के प्याऊ मिल जाएंगे। और लगातार परिक्रमा में चलने के बाद अब हम आ चुके हैं कालीदेह, और कालीदेह थोड़ा बहुत तो आपको सुना लग ही रहा होगा तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों कालीदेह वो है जहाँ पे मतलब कालियानाग, आपने सुना होगा कि पहले कालियानाग जहाँ आया था। चल आपको अभी बीच में हम परिक्रमा मार्ग से चली रहे थे तो अभी कालीदेह पर हम थोड़ा दर्शन करने के लिए रुके हैं। तो ये कालीदेह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी गेंद लेने के लिए श्री यमुना जी के अंदर कूद गए थे और कालियानाग ने जो विष यमुना जी के अंदर प्रवाहित कर दिया था, तो वही विष श्री कृष्ण ने अपनी लीला के हिस्से निकाल दिया था यमुना जी के अंदर, तो पूरी शुद्ध कर दी थी यमुना। तो काफ़ी प्राचीन जगह है और ये इनको आपने पहचाना, ये वो कदम का पेड़ है जो श्री कृष्ण के समय का है, बहुत ही काफ़ी हजारों साल पुराना कदम का पेड़ है ये, दर्शन कर लीजिए। अब कहा जाता है कि ये कदम जी के पेड़ में काफ़ी सारे ऋषि मुनि राधा जी काफ़ी चीज़ें समाई हुई हैं, जो भक्ति लोग हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं उनको। तो मेरे पीछे जितनी की आकृतियाँ बनी हुई हैं, दृश्य बने हुए, तो हर एक चीज़ यहाँ पर वो बयान कर दिया कि किस तरीके से श्री कृष्ण ने कालियानाग का जो विष था वो यमुना जी के अंदर से निकाला था, आप देख सकते हैं। राधे राधे। भाई साहब बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे होंगे, अगर आप यहाँ पर आए होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं आए तो जान लीजिए भाई बंदरों से सावधान रखना है, अपने आप को नहीं अपने सामान को। अभी इन्हीं को देख लो कैसे मस्ती से उजरी है भाई, पीछे से आगे परेशान कर रहे हैं।
यकीन नहीं करोगे, कालियानाग के विश्व में ना इतनी क्षमता थी कि उसके दुर्गंध मात्र से ही आसपास के पंछी जो हवा में उड़ रहे थे और वृक्ष जलकर खाक हो गए थे। बस एक यही कदम का वृक्ष हमारा चाहता था, क्योंकि जब गरुड़ देव अमृत कलश लेके यहाँ से उड़ रहे थे तो उन्होंने कुछ समय यहाँ पे विश्राम किया था, जिस वजह से उसके कुछ बूंदे उस वृक्ष पे गिर गई थी और यही कारण है कि आज भी ये वृक्ष सही सलामत यहाँ खड़ा है।